तो आखिरकार 496 वर्षों के बाद अयोध्या के अंदर जो 115 गांव के लोग हैं, सूर्यवंशी जो यहां पर लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने ये कसम खाई थी कि जब तक रामलला विराजमान नहीं हो जाते राम जन्मभूमि मंदिर में, तब तक ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना ही जो है यहां पर लेदर का शूज़ जो है, यानी कि चमड़े का जूता जो है, ना उसको पहनेंगे। और आज आखिरकार, अब क्योंकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, और इसलिए यहां पर उनकी 9वीं पीढ़ी जो है, 8वीं, 9वीं और 10वीं पीढ़ी यहां मौजूद है। इस समय आप देख सकते हैं हवन यज्ञ जो है वो यहां पर चल रहा है, और साथ ही साथ अब इस यज्ञ के बाद जो है यहाँ पर पगड़ी धारण जो है वो ये सभी गांव के वासी जो है वो यहाँ पर करेंगे। इनके पूर्वज जो ठाकुर गजराज सिंह, उन्होंने यहाँ पर इसी सूर्य कुंड पर जो है आकर के जो है यहाँ पर कसम खाई थी कि जब तक रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक हम जो है ना पगड़ी धारण करेंगे, ना ही हम जो है चमड़े का जूता पहनेंगे, और उसके अलावा ना ही हम जो है छाता जो है वो उसका उपयोग करेंगे, और ना ही जो यहाँ पर मंडप लगता है शादी का उसमें जो है छाया का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आखिरकार जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो इसी उपलक्ष्य पर अब जो है ये 500 सालों की प्रतीक्षा, 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद जो है ये गांव के लोग जो हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस समय ये हवन यज्ञ करके जो है अब इस पगड़ी को जो है वो यहां पर धारण करेंगे। ओम हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृषधरा स्वस्ति न भोगा विषवा वेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहदवा दृप्तदातो बृहदवा मारुता कृष्णेवा सारा सुवन्द्यानो पिदाते भुजगमाया अग्ने देवा मानवा सूरयक्षासो विषवे भो देवा अवसागमन्या वदरं गरुडेभि श्रीणुया मदेवा वदरं मध्ये माघ्या वृक्षा चतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभाग्यं सस्तानो बृभ्यासे गये देवा एतं जदायो शदमेन्नु शरदो अन्ते देवा चतरानश्चकरा जरासन्तनूनां मामतरा सो चतरा पितारो भवन्ति मानो मातः स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमादितिर्जनितुम् आद्योः शान्तिरन्तरिक्षत्वम् शान्ति पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति चतो यतः समीयसे ततोलो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्य शान्तिर्भवतु। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो बोलो सभी लोग नमः ओम श्री पुरुषाभ्याम नमः ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम सविता सूर्य नारायणाय नमः। श्रोत्रादता लोका न कलपायन्ना नैवेद्यं समर्पयामि। ओम
सूर्य नारायणाय स्वाहा नमागणाधिपते स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा त्रि पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा इष्ट देवताभ्योर्व स्वाहा सूर्य नारायणाय देवताभ्योर्व स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा राम देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा श्रीमद्भागवताधिपते स्वाहा Thank you.
तो आप इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं, आखिरकार 500 सालों की तपस्या के बाद, 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद सराय रासी गांव के साथ साथ बाकी अन्य जो गांव के लोग हैं वो आज यहां पर पहुंचे सूर्य कुंड पर, और यहां आकर के अब जो है ये पगड़ी धारण की जो एक यहां पर तपस्या की थी, जो एक यहां पर प्रण लिया था, उन्हीं की नौवीं पीढ़ी, इनके जो पूर्वज रहे ठाकुर गजराज सिंह, जब यहां पर मंदिर तोड़ करके जो है बाबरी ढांचा यहां बनाया गया, उस समय जो है इनके पूर्वजों ने ये प्रण लिया था कि हम ना तो पगड़ी धारण करेंगे, ना ही हम चमड़े का जूता पहनेंगे, ना ही छाते का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शादी में मंडप छाया लगता है, ना ही शादी के दौरान जो है मंडप छाया का इस्तेमाल करेंगे। और अब क्योंकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, मंदिर जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो अब आखिरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में पगड़ी को जो है वो यहाँ पर धारण कर लिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर गांव के लोग जो हैं उन्होंने अब आखिरकार ये प्रण जो पूरा हुआ 500 सालों की कड़ी तपस्या के बाद, अब इसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो मौजूद हैं वो अब गांव के लोग जो है वो पगड़ी यहाँ पर धारण करते हुए आपको नजर आएगा।